हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही वाले आलू। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आलू। ये छोटे साइज के जो आलू होते हैं, आलू को हमने इस तरह से थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में गोल गोल कट कर लिया है। तो आलू में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा हल्दी डालकर हम आलू को फ्राई कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में हमने ले लिया है तेल। अब हम इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलू को हम चलाते हुए पका लेंगे। आलूओं का हम 2-3 मिनट के लिए ढक ढक कर फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू के अंदर तक जो है सॉफ्ट हो जाए। चलिए ढक देते हैं आलूओं को। अब बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो चेक करते हैं हमारे आलूओं को। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये पक भी गया है। अब आलूओं को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने आलूओं को निकाल लिया है। अब उसी तेल में डाल देंगे जीरा और ये तेजपत्ता। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दरदरा सा पेस्ट किया हुआ प्याज। प्याज को भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़े से 1/2 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। इससे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मिला देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मसालों को थोड़ा भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 4-5 चम्मच दही। हमने दही को फेंट करके रखा हुआ है, दही डाल देंगे। दही को भी अच्छे से हम भून लेंगे मसालों के साथ। और फ्लेम हम एकदम लो पे रखेंगे, ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो दही और मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। भून लेंगे अच्छे से। देखिए कलर अच्छा आ गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नमक। ये हमने नमक डाल दिया है। मसाले को थोड़ी देर और भूनेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये सीक्रेट मसाला 2 चम्मच। इस मसाले का रेसिपी आप हमारे बटर पनीर मसाले में उसमें आप विजिट कर लीजिए, आपको इसका रेसिपी मिल जाएगा। इसे डालकर हम इधर और भूनेंगे। इस मसाले का टेस्ट इतना अच्छा है, स्वाद बढ़ा देता है सब्जी का। तो सारे हमारे मसाले भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये फ्राई किया हुआ आलू। आलू को भी मसाले के साथ थोड़ी देर और हम भून लेंगे। तो हमने आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। ये हम गर्म पानी डाल रहे हैं। इससे आलू हमारे जो भी रहा कसर है वो अच्छे से पक जाएगा। उसे हम ढककर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो चलिए ढक देते हैं आलू को। तो 2 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं हमारे दही आलू को। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आलू को चेक करते हैं। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं आलू हमारे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आया तो चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये थोड़े से अंगूर रखे हुए थे, अंगूर हम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप करें, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। डाल करके और डालेंगे इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते, और इसे हम एक मिनट के लिए और ढक देंगे। चलिए ढक देते हैं, इसलिए ढक देते हैं। इससे फ्रेंड्स अंगूर से इसे खट्टा मीठा स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए एक मिनट के लिए और ढक देंगे हम। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे दही वाले आलू, देखिए कलर कितना अच्छा आया है, और अंगूर देखिए हमारे कलर चेंज हो गया, मतलब ये भी पक चुके हैं। तो चलिए प्लेट में निकाल करके दिखाते हैं आपको।